सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये सब पढ़कर ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये यूट्यूब का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये एक रुपया भी क्यों दें? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता, ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर इंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को, और हाँ जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिंड होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। इस पर आप स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें कह रहा है स्टेट गिविंग रीजन, कह रहा कारण बताओ वेदर द करंट रेशियो विल इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, और डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब है डिक्रीज हो जाना, और विल हैव नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब हो गया एक तरह से नो चेंज, सेम रहना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इफ करंट रेशियो इज 2:1। चलो तो एग्जाम में इसकी प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि कैसे आपको करनी है, लेकिन जैसे जब वो आपको इस तरह से करंट रेशियो दे 2:1, तो आप एक एज्यूम्ड फिगर अपने आप कर लिया करो। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, आप क्या एज्यूम कर लो कि करंट एसेट हैं 200,000 और करंट लाइबिलिटी है 100,000, ऐसे। क्योंकि करंट रेशियो 2:1 का मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसी फिगर्स रहेंगी ना कि करंट एसेट जो है वो 2 गुना होंगे करंट लाइबिलिटीज के। तो आप कुछ भी एज्यूम फिगर कर लिया करो, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ठीक है। चलो तो जैसे मैं एक पहला आपको डिस्कस करता हूँ। पहले में लिखा है ट्रांजेक्शन कैश पेड टू ट्रेड पेबल। आप ऐसी एज्यूम कर लो 50,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अपने समझने के लिए। अभी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो एग्जाम प्रेजेंटेशन नहीं है, वो मैं नीचे करूँगा, पर अभी मैं समझा रहा हूँ। तो हमने कैश पे करा ट्रेड पेबल्स को, मान लेते हैं 50,000। तो आप इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो बस, कि अगर आप 50,000 रुपये पे करोगे ट्रेड पेबल को, तो इससे क्या होगा, आपका कैश कम हो जाएगा और आपके लाइबिलिटी कम हो जाएंगे। तो अगर मैं अपनी एज्यूम्ड फिगर्स के ही हिसाब से आपसे ये पूछूं कि अब बताओ नए करंट एसेट और नई करंट लाइबिलिटियाँ कितनी कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे कि करंट एसेट भी 50,000 कम हो गए और करंट लाइबिलिटियां भी
50,000 कम हो गई, राइट। तो नए करंट एसेट और नई करंट लाइबिलिटी के हिसाब से अब आप अगर नया करंट रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 3:1। तो अब आपको ये बताना होता है बस एग्जाम के अंदर कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से आपका रेशियो इम्प्रूव हुआ या कम हुआ। तो पहले कितना था, मतलब 2:1, और इस ट्रांजेक्शन के बाद कितना हो गया? 3:1। तो आप क्या कहोगे, क्या हो गया रेशियो? इम्प्रूव हो गया। तो देखो किताब वालों का भी आंसर दिखा रहा हूँ, ए का आंसर क्या दे रखा है? इम्प्रूव हो गया। समझ आया? लेकिन आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे इसको? एग्ज़ाम में क्या प्रेजेंटेशन होगी? तो वो लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन। हाँ, टेबल, सही कह रहे हैं बच्चे, स्कूल के योद्धा। तो इसमें आपको एक टेबुलर फॉर्मेट बनवाना है। पहला कॉलम तो चलो सीरियल नंबर का हो गया, दूसरा छोटा कॉलम में इफेक्ट हो गया, और तीसरे कॉलम में रीज़न हो गया। तो आपको इसकी प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में ऐसे करनी है, सीरियल नंबर, इफेक्ट और रीज़न, सीरियल नंबर, इफेक्ट और रीज़न। तो सीरियल नंबर में लिखना है 1, इफेक्ट में क्या लिखना है? इंक्रीज या इम्प्रूव, कुछ भी। वैसे तो जो क्वेश्चन दे टर्मिनोलॉजी वही यूज़ करो। उसने इम्प्रूव बोला था ना, इम्प्रूव या डिक्लाइन, तो हम क्या लिखेंगे? इफेक्ट, पहले ट्रांजेक्शन की वजह से क्या इफेक्ट हुआ? इम्प्रूव। अब रीज़न जो है वो बताओ आप क्या लिखोगे? रीज़न, स्कूल के योद्धा, मतलब रीज़न क्या लिखेंगे? भाई इम्प्रूव हो गया वो मुझे दिख रहा है कि पहले 2:1 था और अब 3:1 हो गया, तो अंग्रेज़ी में क्या रीज़न लिखा जाएगा इसका? बिकॉज, वेरी गुड, डिक्रीजिंग एज वेल, परफेक्ट। पर बस हो गया, मेरा काम हो गया। तो हमें सिर्फ यही लिखना होता है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, कि जो करंट एसेट्स हैं आप बताओगे कि देखो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और आप बताओगे कि देखो जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से ये इम्प्रूव हो गया। तो आपको रीज़न में ना बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ के बढ़ने या घटने के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसका आप रीज़न मेरे साथ लिख लो कि इसका रीज़न बन गया बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज विल डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, है ना। तो बस आप ये बता दोगे कि भाई दोनों जने, मतलब दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, है ना, करंट एसेट भी कम हो गया था और करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई थी सेम अमाउंट से, 50,000 से। लेकिन आप रुपए वुपे नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो हमने अपने मन में एज्यूम कर रखे हैं। तो बस ये तो आपको एज्यूम करना होता है मन में, अंग्रेजी नीचे दूसरी लिखनी होती है। अब ऐसे देखो एक और सेकंड भी करके देखते हैं। सेकंड में लिखा है बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड। इसका क्या मतलब है? कि आपने बिल्स पेबल वाले के पैसे दे दिए, तो मान लो ये भी 50,000 ही है फॉर एग्जांपल। तो बिल्स पेबल डिस्चार्ज, आपने अगर बिल्स पेबल को पैसे दे दिए तो इसकी बताओ मतलब क्या इफेक्ट होता है इससे? कैश कम हो जाएगा, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसमें भी एक तरह से सेम ही बन गया, पहले वाले की तरह ही बन गया। तो इसमें भी आंसर क्या बनेगा? सेम ही बनेगा, मतलब इम्प्रूव ही बनेगा। तो देखो बी का आंसर भी क्या दे रखा है किताब वालों ने? इम्प्रूव दे रखा है। तो सेकंड वाला तो आपका सीधा सीधा सेम ही बन गया फर्स्ट की तरह, सेम आंसर और सेम रीज़न। उसके बाद नंबर 3। अब नंबर 3 में दे रखा है बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। तो मान लेते हैं ये भी 50,000 की ट्रांजैक्शन है। अब आपने अपना एक बिल रिसीवेबल जो है, मतलब अपना एक जो एसेट होता है ये,
ये किसी क्रेडिटर वाले को एंडोर्स कर दिया, उसको दे दिया कि भाई तुम ले लो, क्रेडिटर को। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ, इससे क्या होगा? आपका एसेट कम हो जाएगा, बिल रिसीवेबल, और आपका लाइबिलिटी क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी आपका सेम ही बन गया, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। तो इसका आंसर भी देखो, सी का आंसर भी क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा, और रीज़न भी सेम ही है, क्योंकि ये भी एक तरह से ऊपर वालों की तरह ही सेम बन गया। उसके बाद नंबर चार, नंबर चार में लिखा है पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब इसका मतलब होता है कि मान लो हमने कोई डिविडेंड जो है, जो हमने डिक्लेयर कर रखा था, मतलब एक लाइबिलिटी होता है, डिक्लेयर डिविडेंड मतलब कि ये एक करंट लाइबिलिटी होता है, तो कह रहा है आपने उसकी पेमेंट कर दी, मतलब हमने पैसे दे दिए। तो अगर हम अपने किसी करंट लाइबिलिटी वाले के पैसे दे देंगे, मान लो ये 50,000 ही है फॉर एग्जांपल, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? आपका एसेट कैश कम हो जाएगा और आपकी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो मतलब इसमें भी इत्तेफाक से सेम ही इफ़ेक्ट है, तो इसीलिए इसका भी आंसर देखो डी का भी क्या है? इम्प्रूव। तो मतलब मज़े आ रहे हैं आपके तो, कि सेम ही आंसर और सेम ही रीज़न, लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही देगा वो। उसके बाद नंबर पाँच, नंबर पाँच में लिखा है जी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब आपने स्टॉक खरीदा, मान लेते हैं 50,000 का, तो अब आप गुड्स खरीद रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो और उधार पे खरीद रहे हो, तो इससे अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो क्या इफेक्ट होगा? आपका एसेट कैश बढ़ जाएगा और आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो अब आपके नए करंट एसेट कितने बन जाएंगे? 250, क्योंकि 50,000 से एसेट बढ़ गए, और नई करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी बोलो ना? 150। करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी 1,00,000 से बढ़ के? 150। तो अब आप इसका नया करंट रेशियो निकालो कि 250 अपॉन 150 करने से न्यू करंट रेशो कितना आएगा? 1.6:1, और पहले कितना था रेशो? 2:1। तो अब क्या हो गया इसका मतलब रेशो में? डिक्रीज हो गया। तो देखो पांचवे का आंसर इन्होंने, किताब वालों ने भी दे रखा है, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, समझ आया आपको? तो अब इसका बताओ आंसर क्या लिखना होगा। इफेक्ट तो लिख लेंगे डिक्लाइन, रीजन बताओ। बिल्कुल सही, बोथ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी विल इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, इस बार ये रीजन बन गया, बोथ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी विल इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। उसके बाद नंबर छः, नंबर छः में लिखा है जी बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। वो मान लो ऊपर वाला सी वाला पॉइंट ही ले लो, सी का उल्टा हो गया बस, कह रहा है डिसऑनर्ड। तो जो हमने बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर को दिया था, मतलब जो सी वाला पॉइंट था, उसका अब उल्टा हो गया, वो बिल डिसऑनर हो गया। तो जैसे ही बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर होगा, तो आपकी लाइबिलिटी फिर बढ़ जाएगी और आपका जो डेट बिल्स रिसीवेबल है वो भी, एसेट्स भी बढ़ जाएगा एक तरह से, मतलब कि आपका सी वाले पॉइंट का उल्टा हो जाएगा। तो अब बताओ इससे क्या हो जाएगा एक तरह से? मतलब यही जो ऊपर केस बना, दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी सेम अमाउंट से, आपका एसेट भी बढ़ जाएगा और आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी सेम अमाउंट से। तो मतलब आपका रेशो क्या हो जाएगा एक तरह से? डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ गई ना, एफ पॉइंट में दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है और आपकी एसेट भी बढ़ रही है। तो इसमें सेम ही आंसर और सेम ही रीज़न बन गया। उसके बाद जी नंबर सेवन, नंबर सेवन में कह रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। आपने स्टॉक खरीदा
तो आपके एसेट बढ़ गए। और फॉर कैश, कैश में खरीदा तो एसेट कम भी हो गए, तो एसेट बढ़े भी एसेट कम भी हो गए, तो नो इफेक्ट, कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें हम आंसर कह देंगे नो इफेक्ट, कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर बन गया नो इफेक्ट। और इसका रीजन बताओ। करंट एसेट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस बाय सेम अमाउंट। करंट एसेट ही बढ़े और करंट एसेट ही घटे सेम अमाउंट से, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। करंट एसेट इंक्रीजेस और डिक्रीज एंड डिक्रीजेस बाय सेम अमाउंट। उसके बाद जी नंबर आठ में लिखा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने फिक्स्ड एसेट तो बेच दिया, तो फिक्स्ड एसेट बेचने से तो आपका नॉन करंट एसेट कम होगा। बुक वैल्यू है 50,000 की फॉर 45,000। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप सोचो बचपन की, तो मैं बताता हूँ क्या होती थी। आप कैश में तो 45,000 जोड़ोगे और फिक्स्ड एसेट क्योंकि बेच दिया तो उसको आप माइनस कर दोगे फिक्स्ड एसेट को, और 5,000 का आपका नुकसान हो गया, लॉस हो गया, उसे आप बचपन में कैपिटल में माइनस करते थे। यही करते थे, बोलो ना। हाँ, याद भी है कि नहीं? तो फिक्स्ड एसेट कम हो गए, इसका इफेक्ट तो करंट एसेट्स पे नहीं पड़ेगा। 5,000 का लॉस हो गया, इसका भी इफेक्ट करंट एसेट पे नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको 45,000 रुपए का कैश मिला, तो आपके करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब देखो, आपका करंट एसेट तो अब नया करंट एसेट कितना बन जाएगा बताओ? अगर वो बढ़ गया 45,000 से, तो नए करंट एसेट्स आपके अब कितने हो जाएंगे? 245। और करंट लाइबिलिटी तो वही की वही रहेंगी, 1,00,000 जो थी उनमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो अब आपका नया करंट रेशियो कितना आ जाएगा? 2.45:1। तो रेशियो क्या हुआ पहले के मुकाबले? इंक्रीज हो गया ना। तो एच का आंसर क्या बन गया? इंप्रूव। तो एच का आंसर बन गया इंप्रूव। रीजन बताओ। करंट एसेट इंक्रीजेस बाय ₹45,000। करंट एसेट क्योंकि आपके बढ़ गए, इसीलिए आपका रेशियो भी बढ़ गया। उसके बाद नंबर नाइन भी सेम ही है, बस बेवकूफ बनाने के लिए वैल्यू बदल दी। कह रहा फिक्स्ड एसेट बेचा, बुक वैल्यू 50,000 है, बस इस बार 60,000 का बेच दिया, तो इससे भी क्या ही होगा? इम्प्रूव ही होगा, सेम ही होगा, बस वैल्यू 45 की जगह क्या होगी? 60। तो सेम ही आंसर है, बस रीजन में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। करंट एसेट इंक्रीजेस बाय 60। ठीक है, तो क्लियर हो गई स्टोरी। चलो, तो ऐसी एक और क्वेश्चन करते के देखते हैं, 27। इस पर भी आप चाहो तो एक स्टार बना सकते हो। 27 पे इसमें लिखा है क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। तो क्विक रेशियो का मतलब है 2:1 का, बताओ क्या एज्यूम कर ले मन में हम? लिक्विड एसेट कितना एज्यूम कर लें? 2,00,000। और करंट लायबिलिटी कितनी एज्यूम कर लें? 1,00,000। कह रहा है स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव रिड्यूस एंड नो चेंज टू द क्विक रेशियो। चलो, तो वही खेल करना है। पहले ए पॉइंट पढ़ते हैं। ए में लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचते हैं। मान लो ये फिगर 50,000 है, तो सोचो ए पॉइंट की अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। गुड्स खरीदे तो क्या होगा? आप स्टॉक में बढ़ाओगे 50,000 और कैश में
घटा दोगे 50,000, यही करोगे, यही करोगे। अब जैसे ही आपका कैश कम हुआ 50,000, तो इसका मतलब अब आपके नए लिक्विड एसेट्स कितने बन जाएंगे, 1,50,000 हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड एसेट्स में कैश होता है, लिक्विड एसेट्स में कैश होता है। तो कैश कम होने का मतलब है कि आपके लिक्विड एसेट्स कम हो जाएंगे, और करंट लायबिलिटी तो आपकी अभी भी एज इट इज सेम ही चलेगी, 1,00,000। तो अब आप देखो कि आपका नया लिक्विड रेशियो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 1.5:1 यही आ जाएगा आपका नया लिक्विड रेशियो, बोलो ना। हाँ, तो पहले कितना था लिक्विड रेशियो, मतलब क्विक रेशियो, 2:1, और अभी कितना हो गया, 1.5:1। तो रेशियो में क्या हुआ, बढ़ोतरी या गिरावट, गिरावट, ठीक है, समझ गए। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका रीजन मुझे ओरली सुनाओ, क्या लिखोगे, हाँ, बिकॉज लिक्विड एसेट्स विल डिक्रीज बाय 50,000, तो इसका रीजन बन गया लिक्विड एसेट विल डिक्रीज बाय 50,000। हाँ, स्टॉक तो लिक्विड एसेट में नहीं आता ना, तो स्टॉक जो होता है तो लिक्विड एसेट में वैसे भी नहीं आता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो बी, इसमें बस ऐसे ही लिख रहे हैं आंसर, प्रेजेंटेशन एग्जाम की अब आप वैसे ही सेम करोगे सब में। अब बी में लिखा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आओ ये भी देखते हैं। अब आपने मान लेते हैं 50,000 रुपए के गुड्स उधार पे खरीदे, तो अब इससे बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से गुड्स खरीदे तो आप स्टॉक बढ़ाओगे, और आपने उधार पे खरीदे तो क्रेडिटर भी बढ़ा लोगे। अब इसका प्रभाव सोचो, लिक्विड एसेट्स पर कुछ पड़ेगा क्या, बताओ, कुछ नहीं पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेंगे 2,00,000, और करंट लायबिलिटी वो बढ़ जाएगी, तो पहले अगर 1,00,000 थी तो अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, 150। तो आपका नया लिक्विड रेशियो कितना बन जाएगा, अब 1.3:1, मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो आपका लिक्विड रेशियो जो पहले 2:1 था, अब कितना बन गया, 1.3:1, तो क्या बन गया आंसर, रिड्यूस। रीजन मुझे ओरली सुना दो, इसका रीजन क्या बनेगा, करंट लायबिलिटी विल इंक्रीज, बिल्कुल सही, बिकॉज करंट लायबिलिटी विल इंक्रीज, बिल्कुल सही। उसके बाद सी देखो, सी, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000, आपने 20,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, 20,000 में ही बेच दिए, तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन देखो क्या होगी, आपका स्टॉक कम हो गया लेकिन आपका कैश जो है वो बढ़ गया, तो इसका इफेक्ट आपके अब लिक्विड एसेट पर क्या पड़ेगा, आपके लिक्विड एसेट इंक्रीज हो जाएंगे 20,000 से, वेरी गुड। और करंट लायबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नो सर, वो एज इट इज 1,00,000 की ही रहेंगी। तो अब आपका नया लिक्विड रेशियो क्या बन गया, 2.2:1, तो आंसर क्या बन जाएगा, इंप्रूव। तो इसका रीजन बता दो, लिक्विड एसेट्स विल इंक्रीज बाय 20,000, ठीक है, क्लियर है। डी तो खैर सेम ही है, वो ओरली कर लेते हैं, डी और सी सेम ही थे। डी में भी बस सेल ऑफ गुड्स लिखा है कॉस्टिंग 20,000, बस वैल्यू बदल दी, कह रहा है 22,000 के हुए, तो मतलब सी और डी तो सेम ही हो गए, है ना। प्रॉफिट होगा तो वो तो कैपिटल में जुड़ेगा, उससे वैसे भी हमें कोई मतलब नहीं है, तो डी और सी तो सेम ही हो गए, तो सेम ही आंसर, सेम ही रीजन, सेम ही कहानी। उसके बाद ई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, 50,000 रुपये मान लेते हैं, अब हमें अपने डेटर से 50,000 रुपये कैश मिला,
तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो क्या होगी, कैश में इंक्रीज हो जाएगा और डेटर्स में डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके लिक्विड एसेट्स पर क्या प्रभाव पड़ा, नो चेंज, क्योंकि लिक्विड एसेट्स ही बढ़े और लिक्विड एसेट्स ही घटे। करंट लायबिलिटी पर तो वैसे ही कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब रेशियो में क्या होगा, नो चेंज। तो ई पॉइंट का आंसर बन गया नो चेंज। तो ई का देखो आंसर दे रखा है किताब वालों ने भी, नो चेंज। तो इसका रीजन बता दो ओरली क्या होगा, लिक्विड एसेट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय सेम अमाउंट। परफेक्ट, तो समझ आ गई स्टोरी। हेलो बच्चों, बच्चों क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चलो तो पहले तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। एक बार आप फॉर्मूला बताओ, उसने जानकारियां दे रखी हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, परचेजेस 3,20,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए जी, तो सॉल्व करते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS तो दे नहीं रखा, तो COGS का फॉर्मूला बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आप बताओ कितना है, 40 प्लस परचेज 3,20,000 और माइनस क्लोजिंग 1,20,000 होल डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री 40 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,2। तो क्लियर है भाई, वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं बस मैंने और कुछ नहीं करा। तो इस गणित को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो 40 प्लस 3,20 माइनस 1,20, तो न्यूमरेटर आ जाएगा शायद 2,40 बटे 40 प्लस 1,20 बटे 2 यानी 80। तो 2,40 बटे 80 थ्री टाइम्स, तो ये तो आ गया ओरिजिनल आंसर 3 times। तो अब अगर नीचे दी गई बातों से रेशो 3 से ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या कहोगे, मतलब इंप्रूव हो गया, 3 से कम होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, और 3 ही रहा तो नो चेंज हो जाएगा। तो आइए करते हैं कुछ चटपटी बातें। ए, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000 कॉस्ट 32,000। तो भाई हमने अपने गुड्स बेच दिए जो वैसे थे 32,000 के, लेकिन हमने बेचे इनको 40,000 में, ठीक है ना। तो अब देखो बड़े ध्यान से समझना, आपने अपने गुड्स बेच दिए, अपना सामान बेच दिया, तो अब ये सामान जो आपने 32,000 का बेचा ये किस चीज़ की वैल्यू को कम करेगा। भाई आप सामान जो बेचते हो
देखो पहले सामान के नेचर को समझना। अगर मेरे पास 5 डब्बे हैं जो बिके नहीं, मैं कह रहा हूं ये अनसोल्ड हैं, तो अनसोल्ड चीजों को हम क्या बोलते हैं? हमेशा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। अब अगर मैं ये कह दूं कि एक डब्बा बिक गया, सोल्ड हो गया, तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो पहले 5 था अब कितना का होगे? 4 का होगे। अगर मैं कह दूं कि मेरा एक और डब्बा बिक गया, तो अब आप क्लोजिंग स्टॉक जो अभी 4 कह रहे थे अब कितना का होगे? 3। अगर मैं कहूं कि मेरा एक और डब्बा बिक गया, तो अब आप क्लोजिंग स्टॉक कितना का होगे? 2। तो आप पहले इस चीज को, इस रिलेशन को समझो, जब भी आप डब्बा बेचोगे दैट मीन्स आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है। आपको ये समझना है कि जब डब्बा बेचने का मतलब है आपका क्या कम हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब मैंने कितने का डब्बा बेचा, डब्बे की कॉस्ट क्या है? 32,000। तो इसका मतलब अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 की बजाय कितना हो जाएगा? 88,000। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 88,000। आपको फर्स्ट पॉइंट के पहले आधे पार्ट से ये समझना है। तो जब भी आप डब्बा बेचोगे तो डब्बे बेचने से क्या होगा, खुद बोलो अपने मुंह से, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आई इतनी? अच्छा जी, अब आपने बेचा उसको 40,000 में, 40 में बेचा, पहले अगर आपने सेल करी 40 की तो मतलब एक तरह से आपके पास पैसे आ गए होंगे और सेल वैल्यू बढ़ गई होगी, कैश आ गया होगा और सेल मतलब सेल हो गई होगी। तो अब यहां पर सेल का या कैश का हमारा कोई रोल तो है नहीं, तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं। तो अब मैं दोबारा से फॉर्मूले में डालकर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, आप इसे कैलकुलेट करवाऊंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी लूंगा? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी लूंगा बताओ? 40, वो एज इट इज लूंगा। परचेज कितनी लूंगा बताओ? 3,20,000, वो एज इट इज लूंगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना लूंगा अब? 88। अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में मेरे परिवर्तन आ गए। बात समझ आ रही है? तो अब आप पॉइंट वन मतलब ए पार्ट का आंसर निकालो। ए पार्ट में दोबारा से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला वो ऊपर लिखा, अब हम रिवाइज्ड फिगर्स डालते हैं। लो एक मैं आप ही के साथ सॉल्व कर लेता हूँ। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 40 लिख लेता हूं, परचेज को 3,20,000 ही लिख लेता हूं, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी लिखूंगा जी? 88 होल डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री 40 ही लिखूंगा प्लस, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी लिखूंगा? 88। तो बस जो चेंज हुआ मुझे उस पर ध्यान लेना है। अब इसको सॉल्व करके आप नया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लो। तो निकालो ओम बाबू, इस पूरी गणित को सॉल्व करके नया रेशियो, पहले न्यूमरेटर बताओ कितना आएगा और न्यूमरेटर कितना आया? 272। और डिनोमिनेटर 64,000। ओके, तो कितना बन गया जी? 4.2 टाइम्स कह रहे हैं हमारे मित्र, यही 4.2 टाइम्स। तो बताओ एक आंसर क्या बन गया, हमारा रेशो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसमें आपको कोई रीजन वो वाला नहीं लिखना, क्योंकि इसमें तो वैल्यूज ही है ना, तो इसमें रीजन क्या है? इसमें वैल्यू निकाल दी हमने, आंसर सॉल्व कर लिया, तो हमारा रेशो देखो एक आ गया इंक्रीज। तो इसका मतलब किताब वालों का पहला तो ठीक है। ओके जी, अब बस मैं सब में आपको नई वैल्यूज देता चलूंगा और आप सॉल्व करके नया रेशियो निकालते चलोगे। भाई क्लियर है भाई? डील डन। अगले तो सॉल्व ना करूं मैं आपके साथ, अगले में मैं रिवाइज वैल्यू आपको बताऊंगा, आप नया रेशियो मुझे बताओगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है? चलो अब बी में कह रहा है, अरे बी तो सिंपल हो गया भाई। बी में कह रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 40,000। उसने तो खुद ही बता दिया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 40,000 से बढ़ा दो। लो जी, तो ओपनिंग स्टॉक सेम, परचेज सेम, बस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना ले लोगे? 160। तो अब जल्दी से सॉल्व करो और ये बताओ कि अब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आएगा रिवाइज्ड वैल्यू डाल के। खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा।
तो ओपनिंग 40 है, परचेस 3:20। चलो मैं लिख देता हूँ, बस मन कर रहा है। ओपनिंग तो एज इट इज़, परचेज एज इट इज़, बस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1:60 ले लेना। तो ओपनिंग एज इट इज़ और क्लोजिंग वाली 1:60 ले लेना। तो इस पूरी गणित को सॉल्व करो 2 टाइम्स, तो इसका मतलब आपका रेशियो क्या हुआ, पहले था 3, अब हो गया 2, 2 टाइम्स मतलब डिक्रीज हो गया। ठीक है जी, तो क्लियर हुआ। तो किताब वालों का भी सेकंड का आंसर इसका मतलब सही है। अब उसके बाद है जी सी। सी में लिखा है गुड्स परचेज्ड फॉर 80,000। गुड्स आपने खरीदे 80,000 के, तो जब आप गुड्स खरीदोगे, देखो डब्बे खरीद रहे हो और खरीद रहे हो और खरीद रहे हो और खरीद रहे हो, तो डब्बे खरीदने की वजह से दो चीजें आपकी बढ़ेंगी। क्या क्या? एक तो आपकी परचेज बढ़ जाएगी, अब आपकी रिवाइज्ड परचेज की वैल्यू 4 लाख बन जाएगी। और भाई ये डब्बे खरीदे आपने तो ऑब्वियसली आपका सामान बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा भाई? क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, पहले ये बात बताओ हाँ कि ना। आप सामान खरीद रहे हो भाई, अभी हम और फर्नीचर इस कमरे में रख लें खरीद के, तो जब मैं ताला लगा के घर जाऊंगा रात को, तो मैं कह सकता हूँ ना मेरा स्टॉक बढ़ गया। तो जब भी हम सामान खरीदते हैं तो खरीदने का मतलब है स्टॉक बढ़ गया, तो परचेज बढ़ा लो और स्टॉक भी बढ़ा लो। तो अब इन रिवाइज्ड फिगर्स के हिसाब से नया निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख आएगा, तो मैं तो देख रहा था कि कौन बच्चा अलर्ट है, तो सिर्फ कृष और उपासना अलर्ट है। तो अब परचेज आप 4 लाख लो और क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख लो, मतलब रिवाइज्ड, और फिर नया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। 2 टाइम्स कह रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आपकी बात पर भरोसा करते हुए आंसर क्या बन गया? डिक्रीज। ठीक है, तो भाई सबको मुद्दे की चीज़ क्लियर हो रही है कि आपको बस रिवाइज्ड फिगर निकालनी है बार बार। चलो इसके बाद डी। डी में तो सी का उल्टा कह रहा है परचेज रिटर्न, तो सी का उल्टा कर दो, तो मतलब आपकी अब परचेज भी कम हो जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। तो अब आप परचेज की रिवाइज्ड फिगर 20,000 कम करके कितनी लिख लोगे? 3 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी 1,20,000 से कम करके कितनी लिख लोगे? 1 लाख। तो अब आप इन रिवाइज्ड फिगर्स से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। तो इन रिवाइज्ड फिगर से, क्योंकि परचेज भी कम हो गया और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो गई, तो इन रिवाइज्ड फिगर से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे बताओ। तो 3.7 आ रहा है जी अप्रोक्सीमेटली, तो क्या हो जाएगा फिर? तो डी का आंसर हो जाएगा इंक्रीज। तो क्लियर है भाई? 3.4 कह रहे हैं, तो बेचारे 3.7 वाले बच्चे की अकेले की आवाज़ दबा कर बाकी बच्चों ने 3.4 का नारा बुलंद कर दिया। तो 3.4 कर लेते तो 3 से तो ज़्यादा आ रहा है भाई, तो इंक्रीज तो तब भी हो ही रहा है, और वो तो वैसे भी होगा, बताओ मुझे कैसे पता था? क्योंकि सी का आंसर हो रहा था डिक्रीज और डी उसका सी का उल्टा था, तो अगर सी का आंसर क्या हो रहा था? डिक्रीज, तो डी का आंसर क्या हो गया? इंक्रीज। वैसे तो मुझे इतना तो पता था इंक्रीज ही होगा, अब एग्जैक्टली कितना हुआ? 3.4। तो क्लियर है भाई? उसके बाद ई और एफ सिंपल हो जाएंगे, मैं बताता हूं कैसे। ई में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपये विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज,
आप गुड्स को घर ले गए पर्सनल यूज के लिए, और एफ भी साथ में पढ़ लो, एफ में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो क्लास 11th में जब आप छोटे मासूम बच्चे थे, आज से 5 साल पहले, तो आपको ये सब छोटी छोटी एंट्रियां सिखाई जाती थी कि भाई गुड्स विड्रॉ कर लिया प्रोप्राइटर ने या गुड्स को फ्री सैंपल में दे दिया, तो आपको याद है, तो हम परचेज को कम कर देते दे थे, परचेज में से माइनस करते थे इसे फाइनल अकाउंट्स में। याद है? पहले तो बोलो हाँ या ना। चलो, तो मतलब नहीं याद। तो जब भी गुड्स जो हैं वो चाहे पर्सनल यूज के लिए या फ्री सैंपल के लिए आप दे देते हो, तो इन बातों का मतलब बिल्कुल डी पॉइंट वाला ही है, यानी आपकी परचेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और परचेज कम होने का मतलब एक तरह से ये भी है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। तो ई और एफ पॉइंट जो हैं ये तो सेम, मतलब डी ही पॉइंट्स हैं, एक तरह से अंग्रेजी बदल दी उसने बस। तो ई और एफ का तो मुझे पता है आंसर भी क्या आना है, सेम ही आना है जो डी का है। अब वो क्या आएगा वो चाहे आप घर जाके निकाल लेना होमवर्क में, लेकिन इंक्रीज आएगा ये मुझे पता है, 3 से बढ़ जाएगा। अब एग्जैक्ट क्या आएगा वो आप जानो। तो क्लियर हो गया पहले वाला एक बढ़िया सवाल। तो इसमें लिखा है जी 92 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, क्रेडिट सेल्स दे रखी है 8 लाख, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000, ठीक है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, ओके। आओ तो पहले तो सॉल्व ही करें। तो क्या है फॉर्मूला बताओ। क्रेडिट आर एफ ओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्रेडिट आर एफ ओ कितना दे रखा है, 8 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 120, और क्लोजिंग 2 लाख। तो एवरेज निकालने के लिए मैं ऐसे लिख लूं, मतलब ओपनिंग 120 प्लस क्लोजिंग 2 लाख बटे 2। तो अब ये पूरी गणित सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 8 लाख बटे 160, तो 8 लाख बटे 160 कितने गुना, 5 टाइम्स। ओके, ठीक है जी। अब अगर 5 से ज्यादा हुआ किसी कारणवश तो कह देंगे इंक्रीज, कम हुआ तो डिक्रीज, 5 ही रहा तो नो चेंज। चलो, तो अब उसने कहा है कि बताओ रेशियो बढ़ेगा घटेगा कि नो चेंज होगा, तो देख लेते हैं। नंबर 1, बच्चे होशियार हैं वैसे तो हमारे, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। सोचो बस, अकाउंटिंग इक्वेशन सोचने की कोशिश करा करो। आपको डेटर से पैसे मिल गए, तो देखो डेटर से पैसे मिल गए तो क्या क्या होगा। देखो, आप कैश में प्लस करते थे बचपन में, पैसे मिल गए और आपके डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो डेटर्स कम होने का मतलब है एक तरह से कि आपके जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आई भाई, डेटर से पैसा मिला तो आपको कैश बढ़ गया और डेटर कम हो गया। अब कैश के बढ़ने से तो चलो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जैसे ही कम हुए 40,000, तो बस अब मैं रिवाइज्ड फिगर लिख के दे रहा हूँ, फिर आप दोबारा सॉल्व आप करोगे। तो बताओ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आप कितना लोगे अब, वन सिक्सटी, ठीक है भाई। तो सेल्स आप सेम ले लो 8 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल सेम ले लो 1,20,000, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को 160 लेना। और अब नया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल के मुझे बताओ, वो तो आपका काम है मेरा नहीं, फिर देखेंगे कि क्या हुआ। तो मैं भी कर लेता हूँ, चलो मन कर रहा है आपकी शक्लें देख के। तो सेल एज इट इज लिख लो 8 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज लिख लो 1,20,000, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने लिखोगे, सिर्फ 160। तो 8 लाख बटे 1,40,
तो कितना आ जाएगा जी, 5.7, ठीक है, तो 5.7 ले लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब रेशो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर किताब वालों का इंक्रीज होना चाहिए। ओके, तो क्लियर हो गया भाई। उसके बाद सेकंड भी बच्चे बता सकते हैं। सेकंड में तो कह रहा है, शक्ल में दे रखा है क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट सेल 80,000 की आपने कर दी। तो अब तो सीधी सीधी मतलब कि क्या बताऊं, क्रेडिट सेल्स अगर आपने 80,000 की कर दी है तो अब इसके दो प्रभाव बताओ। बचपन में हम क्या करते थे, मतलब वैसे सोचो तो भाई आपने क्रेडिट पे सेल करी तो आपके डेटर भी बढ़ेंगे, आपके डेटर बढ़ जाएंगे। तो डेटर बढ़ने का मतलब है आपका जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो बढ़ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा वो, अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 280, और सेल बढ़ गई तो सेल कितनी दे रखी है पहले, क्रेडिट सेल 8 लाख। तो 8 लाख सेल, अब 80 और बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 880। तो सेल बढ़ गई 80 से तो वो हो गई 880, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए क्योंकि डेटर्स बढ़ गए तो वो हो गए 280, ठीक है सर। तो अब इन फिगर्स के साथ सेल को भी चेंज करके और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को भी चेंज करके निकाल के देखते हैं। एट एट्टी बटे 120 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना लिया, 280 बटे 2। तो 880 बटे 2 लाख, तो 4.4 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसमें बस आपको रीज़न नहीं देना, ये जो आंसर्स निकल रहे हैं ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे हैं। तो इसका मतलब सेकंड का आंसर कम हो गया। उसके बाद है जी थर्ड, तो थर्ड में बुद्धि नहीं लगाएंगे हम, बताओ क्यों। सेल रिटर्न, तो इसका मतलब थर्ड जो है वो तो सेकंड का उल्टा हो गया एक तरह से बस, क्योंकि सेकंड में आपने सेल करी थी तो सेल भी बढ़ाया, क्लोजिंग डेटर भी बढ़ाया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मतलब सेल भी कम हो जाएगा, सेल वैल्यू भी कम हो जाएगा और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। तो मुझे तो आंसर भी पहले से पता है कि क्या आएगा, उल्टा ही आएगा, इंक्रीज आएगा। तो वो आप घर पे निकाल के देख लेना कि कितनी वैल्यू आ रही है, जो मुझे पता है आप नहीं निकालोगे, ठीक है, वेरी गुड। तो घर पे निकालना था या क्लास में निकालना था। तो 5.2 कह रहे हैं महोदय। और चौथा क्रेडिट परचेज, तो जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तो एक तो स्टॉक बढ़ता है या मतलब परचेज बढ़ता है, और दूसरे आपके क्रेडिटर बढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, ना तो सेल पे फर्क पड़ेगा ना डेटर पे फर्क पड़ेगा, तो ना सेल पे ना डेटर पे, दोनों में से किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन से मतलब बेसिकली कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है। तो आप इसमें लिख दोगे नो चेंज, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये वाला भी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑफ ए कंपनी इज 25%, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको समझेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला बताओ क्या होता था। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या डिनोट करता है किसी भी कंपनी के बारे में, देखो, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये डिनोट करता है किसी भी कंपनी के बारे में कि अगर मान लो मेरी सेल 10 लाख रुपए की है, फॉर एग्जांपल पूरे साल की, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये बताता है कि अगर मैं 10 लाख का माल बेचता हूँ, ये मेरी अगर सेल है, तो इसका मतलब मैं इस सेल पर 2,50,000 रुपए क्या कमाता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगा 25%। बात समझ आ रही है, इसी बात को और बताता हूँ। अगर मान लो किसी कंपनी की सेल है 20 लाख रुपए,
तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% का मतलब है कि वो कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाती होगी, 5 लाख रुपए। ये मतलब है कि अगर किसी कंपनी की सेल है 20 लाख रुपए तो वो कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाती होगी, 25% का मतलब है 5 लाख रुपए। बात समझे? और एक और एग्जांपल सुन लो कि अगर मान लो किसी कंपनी की सेल्स है 1 करोड़ रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% का मतलब है कि वो कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाती होगी, 25 लाख रुपए। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को मतलब समझना आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये बताता है कि आप अपने सेल पर कितने प्रतिशत ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा, अब देखो जो आगे के पॉइंट्स हैं कि स्टेट गिविंग रीजंस, तो मैं रीजंस आपको लिखवाऊंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट ऑल्टर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो नंबर वन में दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 50,000 रुपए। तो देखो, अब हमने परचेज करा 50,000 रुपए से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ देखते रहना, मैं नीचे समझा रहा हूं। यहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, आरएफओ माइनस सीओजीएस। तो अगर आप इसमें COGS को भी एक फॉर्मूले के रूप में अगर दोबारा से याद करो, तो COGS का फॉर्मूला होता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ये होता था फॉर्मूला। तो अब जैसे ही उसने कहा कि मैंने गुड्स खरीदे 50,000 रुपए के, अब इसको बस ध्यान से समझना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, फिर मैं लिखवा दूंगा रीजन। जैसे ही आप 50,000 के गुड्स खरीदोगे, तो देखो ध्यान से, आरएफओ पे कोई फर्क नहीं, ओपनिंग स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसे ही आपने गुड्स खरीदे, तो इसका मतलब आपके परचेज की फिगर में 50,000 रुपए और जुड़ जाएंगे, या 50,000 रुपए ये फिगर और बढ़ जाएगी। और क्योंकि ये परचेज में आपने 50,000 रुपए और जोड़ लिए हैं, मतलब आपके पास 50,000 रुपए के डब्बे और आ गए हैं, तो इसका मतलब आपके क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी 50,000 रुपए और बढ़ जाएगी। तो आपको उस पोर्शन को ध्यान से एनालाइज करना है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो अगर मैं ये कहूं कि एक ट्रांजेक्शन ऐसी हो रही है जिसमें 50,000 रुपए के इफेक्ट को हम ऐड भी कर रहे हैं एक ब्रैकेट के अंदर, और 50,000 रुपए के इफेक्ट को घटा भी रहे हैं उसी ब्रैकेट के अंदर, तो अल्टीमेटली ये ब्रैकेट का जो आंसर आएगा वो पहले की तरह सेम ही रहने वाला है, क्योंकि आप उस ब्रैकेट के ही अंदर 50,000 को ऐड भी कर रहे हो और उसी ब्रैकेट के अंदर 50,000 को घटा भी रहे हो। मतलब परचेज बढ़ भी रहा है जो ऐड हो रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। तो पहले आपको बात समझ आई। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से रेशो पर क्या कोई असर पड़ने वाला है, बताओ। ये है मुद्दा कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से रेशो पे क्या कोई असर पड़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला, नो चेंज। क्लियर हो गया पॉइंट? तो बस आप मेरे साथ रीजन लिख लो कि फर्स्ट में आपको रीजन क्या लिखना है, पहले आप ही चलो बताने की कोशिश करो क्या रीजन होगा फर्स्ट का। तो लिखो, देखो जो वहां करा वही इंग्लिश में लिखना है, रीजन में जो मैंने समझाया वही इंग्लिश में लिखना है कि बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट, दोनों की वैल्यू सेम अमाउंट से बढ़ रही है। अब क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसी है कि एक चीज प्लस हो रही है एक माइनस हो रही है, तो दोनों आपस में एक तरह से नलीफाई हो ही जाएंगे, है ना। तो आप अगर कोई इमेजिनरी फिगर्स लेकर भी सॉल्व करोगे तो भी यही होगा। तो हालांकि हमें करना नहीं है, तो हमको तो रीजन लिखना है और बस अगले में बढ़ना है। अच्छा, इसी तरह अब सेकंड मेरे लिए आसान हो गया। सेकंड में कह रहा है परचेज रिटर्न 15,000, तो अब इसमें क्या होगा। अब परचेज हमने कही तो कहा कि परचेज बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, तो परचेज रिटर्न तो मतलब उसका उल्टा। तो मतलब अगर उसका उल्टा करें तो आप दोबारा से यहां पे जूम करके देखो, तो एक तरह से मैं परचेज की जो भी वैल्यू होगी पहले वो 15,000 रुपए कम करके लिख रहा हूं। मान लो पहले वैल्यू थी 1 लाख, तो अब कितने लिखूंगा, 85। और इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी जो भी पहले लिखी होगी उसमें भी मैं 15,000 कम करके लिखूंगा। तो मान लो पहले क्लोजिंग स्टॉक अगर लिखा था 1 लाख,
तो अब कितनी लिखूंगा, 85। तो लेकिन जो परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन में एक जुड़ रहा है और एक घट रहा है, तो ये 15-15 हज़ार का इफेक्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको समझ आ रहा है पॉइंट? तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से भी रेशियो में क्या होगा, नो चेंज। तो आप रीजन लिख लो, बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीजेस बाय सेम अमाउंट। तो मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसी बनी हुई है कि परचेज ऐड हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक घट रहा है, तो सेम अमाउंट क्योंकि बढ़ेगा भी घटेगा भी तो अल्टीमेटली नो इफेक्ट ही रहेगा। तो पहले ये दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद नंबर थ्री रीजन पे आते, पहले देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। नंबर थ्री, कैश सेल ऑफ स्टॉक 40,000, सितारा लगा देता हूँ। अब हमने सेल करी स्टॉक की, 40,000 रुपये के स्टॉक की। तो अब देखो, इससे वैसे सोचे तो क्या इफेक्ट होगा, आपने सेल करी तो इसका मतलब आपका आरएफओ क्या होगा, बढ़ जाएगा, 40,000 से बढ़ जाएगा। लेकिन आपने अपना डब्बा भी बेच दिया, मतलब अपना स्टॉक भी बेच दिया, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितने रुपए से कम होगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए से कम होगा, 40 से कम होगा। तो ये है वो ब्लंडर कि अगर मैं ये कर दूं तो फिर मैं गलत हूं। इसका मतलब आपसे बड़ा गधा व्यक्ति कोई नहीं जो 40 के डब्बों को 40 में ही बेच रहा है, और माथे पर आपने टैटू बनवा रखा है कि भाई मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। माथे पर तो आप ये टैटू बना के घूम रहे हो कि मेरा, मैं 25% मुनाफा कमाता हूं, है ना, ये तो आपके माथे पर टैटू बना हुआ है। और आप कह रहे हो कि मैं 40 का डब्बा, 40 का माल 40 में ही बेच रहा हूं, यही कह रहे हो ना आप। तो बस यही तो वो ब्लंडर पॉइंट है ना, जो बच्चा सोचता है, ये नहीं सोचना हमें। तो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये 40 का नहीं होगा, मतलब ये कितने का भी होगा वो तो खैर मैथमेटिक्स बन गई, लेकिन आपका ये क्लोजिंग स्टॉक कितने का होगा, मतलब इस कम का होगा, 40 से कम का होगा। आपने बेचा इसको कितने पर है, 40 पर, ये माना जाता है। बात समझ आ रही है? तो आप अगर 40,000 रुपये में सेल कर रहे हो तो इसका मतलब ये जो डब्बा होगा ये 40 का नहीं होगा। पहले इस बात को सब बच्चे समझ गए, ये डब्बा थोड़े से कम का होगा। अब कितने का होगा, मैं ऐसी कुछ भी लिख रहा हूं, मतलब ज्यादा दिमाग में लगाना, ऐसी कॉस्ट लिख देता हूं, जितने का भी होगा। तो आप ये बताओ कि इस डब्बे को बेचकर आपने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया होगा, 25% ही कमाया होगा। तो जब हम डब्बा बेचते हैं ना, तो इससे कभी भी रेशियो बढ़ता घटता नहीं है, क्योंकि आप चाहे एक डब्बे बेचो, चाहे आप 5,000 डब्बे बेचो, चाहे आप 10 लाख डब्बे बेचो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मैं उसका दोबारा लॉजिक दे देता हूं क्यों ये मैं कह रहा हूं। देखो, मान लो मेरा एक डब्बा है 10 रुपए का, ठीक है, और मैं इसे सेल करता हूं 12.5 रुपए में, तो बताओ मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूं, परसेंट में बताओ कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, परसेंट में अगर निकालना हो कि मैं कितने प्रतिशत मुनाफा कमा रहा हूं, इसको बताओ जरा। पहले तो मैथमेटिक्स की क्लास लगवानी पड़ेगी आपकी। अगर 10 रुपए का डब्बा, या चलो मेरी गलती हो, सॉरी बच्चों, मुझसे पाप हो गया, 100 रुपए का डब्बा है और मैंने 125 में बेचा, चलो अब बताओ, तो इसका मतलब मैं कितने प्रतिशत मुनाफा कमा रहा हूं, 25%, ठीक है, इसका मतलब मैं कितने प्रतिशत मुनाफा कमा रहा हूं, 25। तो अगर मैं ये कह दूं कि मैंने 2 डब्बे बेचे हैं बच्चों, मैंने 2 डब्बे बेचे हैं, तो क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगी, कि अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने 200 रुपए के डब्बे 250 रुपए में बेचे हैं, तो अब एक बार कैलकुलेट करना जीपी रेशियो, या जीपी कितना परसेंट आएगा बताओ, कितने परसेंट आएगा, अभी भी 25% ही आएगा। तो अगर मैं चाहे एक डब्बा बेचूं, चाहे मैं 2 डब्बे बेचूं, अगर मैं कह दूं मैंने 10 डब्बे बेचे,
2000 के डब्बे मैंने 2500 में बेच दिए तो भी मेरा जीपी रेशियो कितने परसेंट आएगा? अगर मैं कह दूं मैंने 100 डब्बे बेच दिए, 20,000 रुपए के डब्बे 25,000 रुपए में बेच दिए तो भी मेरा जीपी रेशियो कितना आएगा? 20। तो आप बात को समझ पा रहे हो? तो हम जब भी सेल करते हैं या जब भी डब्बे बेचते हैं उससे जीपी नहीं बढ़ जाता, सेल करने से जीपी रेशियो नहीं बढ़ जाता। तो अगर वो कह रहा है कि मैंने 40,000 का माल बेचा है तो इससे आपका जीपी रेशियो नहीं बढ़ेगा। तो इसका आंसर आपका क्या बन गया? नो चेंज। तो बस आपको रीजन लिखना है कि क्यों नहीं बढ़ेगा, इसका रीजन लिख लो। तो आरएफओ विल इंक्रीज बट क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज। इसको लर्न करके जाना घर से, इसमें रीजन यही लिखना है। मैं आर का सिंबल बना रहा हूँ, ये रट लेना, क्योंकि अब एक एक चीज़ बिल्कुल गहराई में उतर के समझाना तो नामुमकिन हो जाता है कि हम ये क्या लिख रहे हैं अंग्रेज़ी में। लेकिन अंग्रेज़ी में जो लिख रहे हैं वो कहना वही चाहता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कि डब्बे आप चाहे जितने मर्जी बेच लो उससे जीपी रेशियो नहीं बढ़ेगा। तो हमारी सेल की वैल्यू ज़रूर बढ़ रही है, आरएफओ विल इंक्रीज, लेकिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी सेम प्रतिशत से कम हो रहा है। तो इसीलिए वो इफेक्ट ऐसा बनेगा कि कभी भी आपका जीपी रेशियो नहीं बढ़ेगा। तो आपको बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो नंबर चार। नंबर चार है जी, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब ये आप घर ले गए। और नंबर पांच भी पढ़ लो लगे हाथ, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। स्टॉक इन ट्रेड 15,000 का आपने फ्री सैंपल में ले लिया। तो देखो अब बताना जरा, चलो पहले इनका अकाउंटिंग इफेक्ट बताओ। आप क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, वेरी गुड, दोनों में ही क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। और दूसरी चीज क्या कम हो गई? जब आप गुड्स विड्रॉ कर लेते हो, चाहे पर्सनल यूज के लिए, गुड्स को फ्री सैंपल में देते थे तो आप परचेज को भी कम करते थे ना बचपन में। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो गया और परचेज भी कम हो गया तो ये दोनों पॉइंट तो ऑटोमेटिकली किसके आंसर की तरह बन गए? सेकेंड वाले की तरह बन गए। तो इन दोनों का आंसर भी है नो चेंज, और इन दोनों का ही रीजन क्या बन जाएगा? सेकंड वाले की तरह। तो 4 और 5 का मतलब मैं लिख देता हूं सेम एज 2, क्योंकि इसमें दोनों में ही परचेज भी कम हो रही है और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है सेम अमाउंट से, तो ये तो बिल्कुल 2 वाले की तरह सेम बन जाएगा। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है। तो ठीक है बच्चों के कटने दो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है। मोटिवेशन चाहिए हम, हाँ बच्चों को, तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे क्या? नहीं करते तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।